झारखंड के जमशेदपुर में मंगलवार सुबह 3:43 पर ऐसा रेल हादसा हुआ जिसने सबको जगा कर रख दिया। मुंबई से हावड़ा जा रही एक्सप्रेस 12810 हादसे का शिकार हो गई और 18 बोगियां पटरी से डीरेल हो गई, पटरी से नीचे उतर गई। बताया जा रहा है कि वहां पर मालगाड़ी ऑलरेडी डीरेल खड़ी थी, जिससे कि टकराने के बाद ये एक्सप्रेस डीरेल हुई है। अभी तक 3 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं क्योंकि 18 बोगियां डीरेल हुई हैं तो कुछ बोगियां पलट गई हैं। सुबह सुबह जब ये घटना हुई तो आसपास के इलाके में तहलका मच गया। आसपास के गांव जितने भी लगते हैं वहां के लोग पहुंचे और उन्होंने फौरन से पुलिस को इसकी जानकारी दी। प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद रहीं, राहत बचाव कार्य अभी भी लगातार जारी है, लेकिन जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी लोगों के लिए जारी किया गया है, उसके बारे में भी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। टाटा नगर के लिए 0657229024 ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इसके अलावा चक्रधरपुर के लिए 0658723807 हेल्पलाइन नंबर है। राउरकेला के लिए 0661250072 हेल्पलाइन नंबर है और हावड़ा के लिए भी 9433579209 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं जब झारखंड में ऐसा हादसा हुआ हो। झारखंड में पिछले 6 महीने में ये तीसरा हादसा था। जी हाँ, तीसरा हादसा। ये सोचने वाली बात है कि आखिर इतने हादसे क्यों हो रहे हैं। अगर बात करें इन 3 हादसों की तो झारखंड में पिछले 6 महीने में ये तीसरा हादसा था और इससे पहले 18 जनवरी 2024 को एक हादसा हुआ था। उत्कल एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ पर ड्राइवर की लापरवाही की वजह से बताया जा रहा है जब ये हादसा हुआ था। इसके अलावा 28 फरवरी 2024 को ही जामताड़ा और विद्यासागर स्टेशन के पास एक टक्कर हुई थी जिसमें कि 2 लोगों की मौत हो गई थी। 30 जुलाई यानी कि आज पिछले 6 महीने में ये तीसरा हादसा है जब मुंबई से हावड़ा एक्सप्रेस जो जाने वाली है वो मालगाड़ी से टकराई और 18 बोगियां नीचे उतर गई। इसमें अभी तक 3 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं, हालांकि आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। देश के 5 रेल बड़े हादसे भी आपको जानने जरूरी हैं क्योंकि आज तक देश में जितने भी रेल हादसे हुए हैं उनमें से 5 झकझोर देने वाले हादसे रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी ज्यादा संख्या जो मौत की रही है वो है 400 मौत हुई है यूपी के फिरोजाबाद में जब पुरुषोत्तम और कालिंदी एक्सप्रेस टकराई थी। 20 अगस्त की ये घटना है और 1995 को ये हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें तो 300 से भी ज्यादा मौतें हुई थी और वो भी बिहार पुल पर जो है जब ट्रेन पार कर रही थी, जब बिहार पुल पर मौजूद थी ये ट्रेन, उस समय पैसेंजर ट्रेन जो है बागमती नदी में जाकर गिर गई थी और इसमें 300 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 6 जून 1981 को ये दुर्घटना हुई थी और इसको भी बहुत ज्यादा याद करने वाली ये दुर्घटना है, आंखें खोल देने वाली ये दुर्घटना थी कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो मरम्मत के कार्य ढंग से नहीं हो पाते हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है जो सिग्नल सही से नहीं मिल पाता है या ओवर स्पीडिंग क्या बड़ी वजह है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन तीसरी बड़ी दुर्घटना भी आपको बता देते हैं जो 2 जून 2023 को हुई थी। 293 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी रेल हादसे में। ओडिशा का वो बालासोर जहां पर 3 ट्रेनें आपस में टकराई थी, यहां ओवर स्पीडिंग के साथ साथ सिग्नल मैन की गलती पाई गई थी और एक ऐसा ट्रैक जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसकी वजह से भी ये बड़ा हादसा हुआ था। इसमें ओडिशा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा और बंगाल एक्सप्रेस जो थी उसके बीच में हुई थी टक्कर। इसके अलावा जो मालगाड़ी थी वहां पर मौजूद वो भी टकरा गई थी। इसमें कई सारी बोगियां एक दूसरी ट्रेन के ऊपर आ गई थी और कई सारी बोगियां पलट गई थी जिसमें कि 300 लगभग लोगों की मौत हो गई थी और घायल बहुत सारे लोग हुए थे। चौथी घटना भी आपको याद होगी जो 2 अगस्त 1999 में हुई थी। इसमें 200 से भी ज्यादा लोगों के मरने की खबर सामने आई थी। 200 से 290 तक के जितने भी यात्री थे उनकी मौत हो गई थी और ये हादसा हुआ था कटिहार डिवीजन के गैसल स्टेशन पर जहां अवध असम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्रा मेल में टक्कर हुई थी और उसके बाद बहुत बड़ा हादसा देखने को मिला था। जो 5वां बड़ा हादसा है ये भी आपको याद होगा,
26 नवंबर 1998 का यह हादसा है और इसमें 200 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। जम्मू तवी और सियालदह एक्सप्रेस की 3 बोगियां जो है वो पलट गई थी और इसमें लगभग 250 लोगों की मौत हुई थी और कई हजार लोग इसमें घायल हुए थे। हालांकि 3 जो बोगियां हैं वो पलट चुकी थी। तो इस तरह के हादसे आए दिन रेल में देखे जा रहे हैं। रेलवे में कहां पर लापरवाही आ रही है, ये बड़ी बात है। अब तक तो ये आपने जान लिया कि आखिर देश के वो 5 बड़े हादसे कौन थे, लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इन हादसों के पीछे की वजह क्या है। कुछ एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि इन बड़े हादसों के पीछे की सबसे बड़ी वजह है सिग्नल मैन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब सिग्नल सही से ड्राइवरों को नहीं मिलता, पायलट्स को नहीं मिलता, तो ये दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्शंस की भी जो एक बड़ी वजह है वो मानी जा रही है रेल हादसों के लिए। कई बार कंस्ट्रक्शंस तो हो रहे होते हैं लेकिन पता नहीं चलता। मौसम एक बड़ा फैक्टर हो सकता है रेल हादसा में, क्योंकि मौसम का मिजाज जैसे ही बदलता है तो जिस धातु से रेलवे ट्रैक्स को बनाया जाता है वो फूलते भी हैं। ऐसे में कई बार हादसों को दावत देते नजर आते हैं। इसके अलावा मशीन इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, टेक्निकल इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। कई बार ओवर स्पीडिंग को भी हादसे की वजह मानी गई है। तो ये कुछ अहम रीजंस हैं जिनके वजह से हादसे हुए हैं। हालांकि जो आज हादसा हुआ झारखंड के जमशेदपुर में, हेमंत सोरेन ने दुख जाहिर किया और उन्होंने कहा कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब इस पूरे मामले ने सियासत का रूप ले लिया है। कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है और कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का ये कहना है कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार से सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर रेलवे की व्यवस्था सरकार से क्यों नहीं संभल रही है। प्रमोद तिवारी का ये भी कहना है कि अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात और आपको बताते हैं, वो ये कि हाल ही में जब देश का बजट पेश हुआ था तो इस बजट में रेलवे का अब तक का सबसे ज्यादा बजट पेश किया गया है। अगर 2023 से 2024 की बात करें तो ये 2.40 लाख करोड़ था बजट, लेकिन इस बार जब बजट पेश हुआ तो पिटारे में ढेर सारा जो कहते हैं तोहफा रेलवे के लिए निर्मला सीतारमण ने पेश किए। उसमें रेलवे का इस बार का जो बजट है 2024 से 2025 का, वो 2.62 लाख करोड़ है। इससे आप समझ लीजिए कि रेलवे के सौंदर्यीकरण के लिए कितना बड़ा बजट लाया गया है, लेकिन क्या धरातल पर यह नजर आएगा। हालांकि इससे पहले जब ओडिशा का भी रेल हादसा हुआ था तो अश्विनी वैष्णव वहां पर मौजूद थे, वहां पर गए थे, उन्होंने वहां का जायजा लिया था और फिर ये बातें समझ में आई कि कहां कहां पर खामियां पाई गई थी। लेकिन इस बार झारखंड के जमशेदपुर में जो हादसा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है, क्या इसकी सजा जिम्मेदार लोगों को मिलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है रेल हादसों पर, जरूर हमें कमेंट कर बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।